Hi viewers, dear students, assalamu alaikum. Aapka host Fazal E Haq Bajwa computer science lecture ke liye hazir hai. Lecture number 31 start karenge. So dear students, hope that ki aapne last time wala lecture jo hai wo achhi tarah se understand kiya hoga. So is lecture ko start karne se pehle hum dushi padhenge. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Dear students, hope that you will be fine. Today's topic is computer languages. Source code and object code, types of language translators. So dear students, बहुत ही important topic है. So इसको मुकम्मल आपने अच्छी तरह से carefully understand करना है, सुनना है. Computer language, basically computer language होती क्या है? Computer language, you can say a way to converting. You can say exchange views with other language, with other person, or you can say a connection between user and computing device. Means that isko hum agar theoretically to the point padhte hain, to write computer program, a programming language is used. Koi bhi program hai उसको राइट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है. कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटिंग डिवाइस, ये क्या होता है जी? कनेक्शन होता है किसके किसके दरमियान? कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस और यूजर, इन दोनों के दरमियान में इंटरेक्शन होती है. इन दोनों के दरमियान में कनेक्शन होता है, डेवलप होता है. There are a large number of programming languages for program writing online. बहुत सारी numbers of languages हैं, programming languages हैं जिनके थ्रू हम online program जो है वो create कर सकते हैं, लिख सकते हैं. According to nature of task, a programmer prefer programming language. यानी कि means that कि जो user है, जो computer programmer है, उसकी nature जिस पे बेस्ड कर रही हो, उसको जो लैंग्वेज इजी लग रही हो, उस बेस पे उसको वो प्रेफर देता है, उसको वो जो है वो अडॉप्ट करता है, उसके अंदर वो प्रोग्राम बनाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर डिफाइंड. दो तरह की जी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, डिफाइंड है. उनमें से होती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज. यहाँ पे अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन विच फर्स्ट वन इज हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल के अंदर लिखी जाए. तो हाई लेवल कौन सी होती हैं? पहले इसको देख लें. इट इज क्लोज टू ह्यूमन. ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज कहलाती है. ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है, ह्यूमन इसको इजीली पढ़ लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है. द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर इजी टू अंडरस्टैंड. इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन इंग्लिश. ये देखें जी, इंग्लिश जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, प्रिंट एफ सी आउट स्कैन एफ सी इन, बात की समझ आ गई. तो कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, जिसके अंदर बेसिक, कबोल, फॉर्ट्रन, पास्कल, जावा, सी, सी प्लस प्लस और विजुअल बेसिक. ये जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है. नहीं पता चलता तो आपने अगेन एंड अगेन वीडियो को लिसन वॉच करना है. लो लेवल लैंग्वेज,
low-level language is a type of language that is close to computer hardware. जो high-level language थी वो close to human थी, ये close to computer है. And far from human, all human से दूर होती है ये. Human इसको easily understand नहीं कर पाता, जबकि computer system जो है वो directly इसको understand करता. There are two types of language, low-level language, or you can say they will be distributed, or you can say in two categories. इसको दो categories में define किया जाता है. उसके अंदर machine language है, assembly language है. So next is हम देखेंगे जी source code और object code क्या होता है. यहाँ पे हमसे एक छोटी सी mistake हो गई है. मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज की जो है वो हम यहाँ पे डेफिनेशन को जो है डिस्कस नहीं कर पाए. तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें, सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज इन योर पेपर. तो सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो मशीन लैंग्वेज की डेफिनेशन है उसको आप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल आप अपने पेपर पे लिखें. मैं अभी लिखवाने लगा हूँ, लिखें जी. A machine language is a type of language in which instructions are written in binary form. अच्छा, वो binary form कौन सी होती है? वो होती है 0 और 1 की form को हम binary form कहते हैं. ये हमारी machine language है, 0-1, यानी कि binary form के अंदर लिखा जाता है. So dear student, ये वो वहाँ language है machine language जो डायरेक्टली तौर पे आपका कंप्यूटर सिस्टम समझता है, जो डायरेक्टली तौर पे आपका पीसी अंडरस्टैंड करता है इसको, जो मशीन लैंग्वेज होती है. सो इट इज यू कैन से फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की ये फंडामेंटल लैंग्वेज कहलाती है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ. असेंबली लैंग्वेज राइट डाउन करें पेपर पे. Assembly language is a type of language that you can say it is a low-level language. पहला नंबर, ये low-level language होती है, but it is one step higher than machine language. Like you can say कि जो assembly language होती है वो machine language से एक step ऊपर होती है. बात की समझ आ गई ना? In assembly language, symbols are used instead of binary code. यानी कि binary code की जगह पे जिस तरह हमने machine के अंदर 0-1 को इस्तेमाल किया, यहाँ पे binary code की बजाय आप symbols का इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया ना? ये जो these symbols, ये जो symbols होते हैं, ये कहलाते हैं जी mnemonics. M N E M O N I C S mnemonics. तो ये dear students, जो ये word होते हैं जो आपके binary digit की जगह पे use किए जाते हैं assembly के अंदर, उनको हम mnemonics का नाम देते हैं. ये very important objective type भी है. पेपर्स के अंदर मोस्टली ये एमसीक्यू आ जाता होता है, तो इसको राइट डाउन कर दें. सो डियर स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश लाइक वर्ड. इसके अंदर जो आमतौर पे हमारी इंग्लिश लाइक वर्ड के अंदर लिखी नहीं जाती, हमारे पास इसके अंदर सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता है. उन सिंबल्स की फॉर्म के अंदर हमारे पास आमतौर पे आपने देखा होगा कि ये असेंबली लैंग्वेज की एग्जाम्पल ये आ जाती है. सब ठीक हो गया जी. उसके बाद एड, ए डबल डी एड, ठीक हो गया जी. तो ये बेसिकली जो है ये किस कैटेगरी में आती है? ये असेंबली लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है. तो असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबोलिक लैंग्वेज जो है उससे भी कॉल कर सकते हैं. बात की समझ आ गई जी. नेक्स्ट मूव करते हैं सोर्स कोड. सो ये सोर्स कोड क्या होता है? पहले सिंपल आपको बता दें, सोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं.
जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इजीली समझ जाते हैं, इजीली उसको एक्सेस कर लेते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द इंस्ट्रक्शन रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम से भी कॉल करते हैं। देखिए, कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। जो कंप्यूटर है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज को सोर्स कोड भी कहते हैं, सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, सोर्स कोड को सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। सोर्स कोड कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय मशीन डायरेक्टली। सोर्स कोड जो होता है या जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो डायरेक्टली तौर पे प्रोसेस्ड या एग्जीक्यूटेड नहीं होती आपकी कंप्यूटर सिस्टम पे। क्या करना पड़ता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। इसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर पहले जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, देन एग्जीक्यूटेड, जब आपकी एग्जीक्यूट होगी तब जो आपके सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया कि सोर्स कोड को आप इजीली समझते हैं, तो यहाँ पे देखें इंग्लिश लाइक वर्डिंग लिखी हुई, आप इसको इजीली एक्सेस करेंगे, पता होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर इन्हीं लाइंस की जगह पे 010101 लिखा हो तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा इस डेफिनेशन को। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑब्जेक्ट कोड। बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड इज अ टाइप ऑफ कोड इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं, मशीन के अंदर लिखी जाती हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट कोड को हम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी कॉल कर सकते हैं। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, इसको कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। बात की समझ आ गई ना, कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है डायरेक्टली। द इंस्ट्रक्शन दैट रिटन इन मशीन जीरोस 01 की फॉर्म के अंदर मशीन के अंदर जो है वो लिखी जाती हैं। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है या जो ऑब्जेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो 01 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह के ये आप देख लें, इसको हम हाई कहेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज कहेंगे, HLL इसको हम हाई लेवल कहेंगे, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे, LL LLL। तो ये देखें, इसको उसने कन्वर्ट कर दिया इसमें, जैसे उसने कन्वर्ट इस प्रोग्राम को इसमें किया तो 0101 ही बन गया। अब ये जो प्रोग्राम, ये वाला जो है, इसको तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं ह्यूमन, लेकिन इसको नहीं कर पाते 0101 लिखा, इसका मतलब पता नहीं क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स कोड है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वो ह्यूमन का एक प्रोग्राम होता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो ओनली जस्ट मशीन इसको अंडरस्टैंड करती है, ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। बात की समझ आ गई है जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते लैंग्वेज ट्रांसलेटर जी, लास्ट टॉपिक जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, इसको आपने अच्छी तरह से जरा सुनना है। बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज कन्वर्टर इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली, हाई लेवल में या असेंबली में, हाई लेवल से या असेंबली से इनटू मशीन, मशीन के अंदर कन्वर्जन करता है ये जो ट्रांसलेटर्स होते हैं। एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज हैज इट्स ओन ट्रांसलेटर, हर जो लैंग्वेज होती है अपना एक ट्रांसलेटर उसके पास होता है, वो ट्रांसलेटर रखती है। द कंप्यूटर ओनली नोज द लैंग्वेज ऑफ द मशीन, जो कंप्यूटर है ओनली जस्ट वो जानता होता है मशीन को, मशीन लैंग्वेज। इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली डायरेक्टली टू कंप्यूटर। जो भी आपका प्रोग्राम असेंबली में लिखा गया हो या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो, डायरेक्टली तौर पे कंप्यूटर के ऊपर अंडरस्टैंड नहीं होता, डायरेक्टली तौर पे कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली तौर पे एग्जीक्यूट नहीं होता आपकी मशीन या कंप्यूटर के ऊपर। तो ये बेसिकली इसको हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का नाम देते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। फर्स्ट वन इज कंपाइलर, सेकंड वन इज इंटरप्रेटर, थर्ड वन इज असेंबलर। बेसिकली 3 ये हमारे पास जो इसके ट्रांसलेटर हैं, उसको पहला फर्स्ट वन इज कंपाइलर है, सेकंड इंटरप्रेटर, थर्ड इज
असेंबलर, इनको हमने वन बाय वन जो है वो डिटेल से डिस्कस करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं कंपाइलर। कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, पहले जनरल वर्ड्स में आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कंपाइलर बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपकी हाई लेवल की इंस्ट्रक्शंस को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में तब्दील करता है और होल प्रोग्राम को तब्दील करता है। ये नहीं कि एक लाइन को करता है, दो लाइनों को करता है, इसने मुकम्मल कोड जो आपने लिखा होना है एडिटर पे, उसने मुकम्मल फुल को जो है वो कन्वर्ट कर देना है। अब प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। इसको हम जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए प्रोग्राम, उसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, सोर्स प्रोग्राम भी कॉल कर सकते हैं। द कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन। जो कंपाइलर होता है वो सोर्स को मशीन के अंदर कन्वर्ट करता है। कंपाइलर सॉफ्टवेयर चेक्स ईच स्टेटमेंट इन सोर्स कोड एंड जनरेट्स मशीन इंस्ट्रक्शन। द सॉफ्टवेयर आल्सो चेक्स सिंटैक्स एरर इन प्रोग्राम इफ सोर्स कोड कंटेनिंग एरर कांट बी कंपाइल्ड। इसने डी स्टूडेंट्स मुकम्मल प्रोग्राम को रीड आउट कर देना होता है, इसने मुकम्मल प्रोग्राम को पढ़ लेना होता है। आफ्टर रीडिंग द फुल प्रोग्राम इसने जो है वो एरर जनरेट करनी होती है कि ये जी हमारे पास आपने जो लिखा है यहाँ पे प्रोग्राम उसके अंदर ये वाली एरर जो है वो नोट डाउन हुई है, तो आपका फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल नहीं इसने करना, क्योंकि आपकी एक भी एरर आ गया तो कंपाइलर ने आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा, आपको वहां पे शो कराएगा ये मिस्टेक्स हैं, इनको आप रिमूव करें, देन योर प्रोग्राम विल कंपाइल। बात की समझ आ गई ना। जरा नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरप्रेटर। बेसिकली इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करता है, लेकिन स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट एट अ टाइम, लाइन बाय लाइन। इनमें आप कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हमने प्रीवियस कंपाइलर पढ़ा ना, तो कंपाइलर के अंदर था एज अ होल, ये मेन इसकी हेडिंग है, इसको आपने अंडरलाइन करना है पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है, एज अ होल। और यहाँ पे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपने जो है वो इंटरप्रेटर को जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ये आपकी कन्वर्जन करता है। इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द सोर्स कोड। ये जो है इसके अंदर देखें, इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बिफोर ट्रांसलेटिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स कोड। इसने हर एक लाइन को पढ़ना है, जहां पे आपकी लाइन के अंदर फॉल्ट आ गया, जहां पे एरर आ गया, इसने वहां से रोक देना है। तो रोकने के बाद इसने उसके बाद फिर जो है वो आपको बताना है कि यहाँ पे एरर आ गया, इसको आप करेक्ट करें, देन आई विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट कर रहा है, जहां पे आपकी एरर आ गया, लाइन के अंदर मसला बन गया, आपने मिस्टेक कर दी, वहां से इसने रोक देना। तो चूंकि हमने कंपाइलर का कंसेप्ट पढ़ा है कि वो मुकम्मल होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके फिर आपको गलतियां देता था, ये वाली मिस्टेक्स हैं, ये एरर्स हैं, इनको रिमूव करें, तो इसने क्या करना है, पहली लाइन पढ़नी है, आपका एरर आ जाता है, इसने रोक देना वहां पे, इसको जी आप करेक्ट करें, देन आई विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बात की समझ आ गई ना कंसेप्ट की इसकी। इफ देयर इज एन एरर द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर स्टॉप्स द वर्किंग। ये देखें, इसने वर्किंग स्टॉप कर देनी, इसने आपकी वर्किंग जो है ये स्टॉप कर देनी है, एंड डिस्प्ले एरर मैसेज। ये देखिए लाइन नंबर वन उसने एग्जीक्यूट करवाई है और आपको ये बता दिया कि एरर रिपोर्ट ये वाली है। बात की समझ आ गई ना, उसने एरर रिपोर्ट बता दी कि इसके अंदर एरर है, अगर आप इसको करेक्ट करते हैं देन आई विल एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। बात की समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं असेंबलर। Dear students, very important definition and very easy. It is a type of software. Assembler एक ऐसा software होता है जो assembly language को machine में change करता है. Simple. Assembly language, ये देखें,
ये assembly है, assembly language into machine. Just it is a type of software that translates the assembly language into machine language. तो dear student अगर आप यहाँ पे देखें तो ये assembly के coding हुई है. अगर आपने अभी तक assembly language शायद पढ़ी हो जो आपने देखा होगा, अगर आपने ICS किया तो second year में आपने कुछ concept इसका देखा होगा. और अगर आपने मैट्रिक के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो आपने टेंथ की बुक के अंदर इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, होप दैट कि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग फुल होगी होगी. तो ये आज का था हमारा लेक्चर. इसको आपने डियर स्टूडेंट्स केयरफुली सुनना है. किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आपने शेयर करना है. You can contact via phone call, via WhatsApp, Telegram, Bip and any other social media. So dear students, lecture आपको मुकम्मल तौर पे आपने understand कर लिया होगा. So अगर आपने channel को subscribe नहीं किया तो kindly subscribe my channel, like share. तो इंशाल्लाह ये हमारा जो आज का lecture है ये end हुआ जाता है. तो फिल वक्त के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.